नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आपरू उत्तराखंड में स्वागत है आपका। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में बीजेपी महानगर कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने परिचय बैठक में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी संगठन के कई नेता मौजूद रहे। साथ ही भारी संख्या में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं से सीएम मुखातिब हुए। और आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के नवनियुक्त सीएम है, इसलिए इस परिचय बैठक का आज आयोजन किया गया। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार पहुंचने पर पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचकर तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ में मां गंगा की पूजा अर्चना की और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, भाजपा के कद्दावर नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बात की तो वहां पर मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। उनके साथ साथ आपको बता दें कि सभी ने आज मां गंगा का आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संतों से मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार किया और सभी से शिष्टाचार भेंट भी की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और वहां पर मौजूद साधु संतों का आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात के दौरान जहां नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की, उनकी प्रशंसा की, तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने भी नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना आशीर्वाद दिया। और बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में किए गए विस्तार को लेकर देश के लिए इसको मंगलकारी बताया। आदरणीय मोदी जी एक बहुत ही दूरदर्शी नेता है और सब वर्गों को, सब देश को, सब प्रांतों को प्रतिनिधित्व देते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो उनका सपना था, उसके रूप नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। हमारा हल्द्वानी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य में युवा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर आतिशबाजी करके मिठाइयां बांटी। अपनी खुशी का इजहार करते हुए पटेल चौक से लेकर पूरे बाजार में पदयात्रा करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक युवा को राज्य की बागडोर संभालने का अवसर देने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी दो बार भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही उम्मीद है कि युवा मुख्यमंत्री बनने के बाद अब युवाओं के रोजगार के द्वार खुलेंगे। और जिस तरीके से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार बैठक में पहुंचे, बैठक में शिरकत की, उसके बाद से उम्मीदें और ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही हैं। धामी के मुख्यमंत्री बनने से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर युवा मोर्चा में काफी उत्साह है पूरे प्रदेश भर में। जिस तरह से हमारे पूर्व में वो प्रदेश के अध्यक्ष भी आदरणीय धामी जी हमारे रह चुके हैं, तो युवाओं को एक उनसे उम्मीद भी है कि प्रदेश में आगे युवाओं के लिए राजनीति में रास्ते खुलेंगे और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिस तरह से एक युवा मोर्चा का, साधारण परिवार का एक युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हुआ व्यक्ति इस प्रदेश का मुखिया आज बन गया है सिर्फ 44 साल की उम्र में। और उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री बनते ही सीधे पहली बॉल में जैसे छक्का मारते हैं, वैसे उन्होंने छक्का मारा है। जैसे कि अतिथि शिक्षकों की उन्होंने जो वेतन था 15,000 से सीधे 25,000 कर दिया है, तो और 22,000 जो है कैबिनेट में अपनी स्वीकृति दे दी है पदों को। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि बहुत लाभ यहाँ पर होने वाला है और युवाओं का, खासकर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले भविष्य में युवाओं को राजनीति में अधिक से अधिक आएंगे, ऐसी उम्मीद हम सभी लोगों को। युवाओं में पूरे उत्तराखंड में हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा से ही 2002 से 2008 तक लगातार दो बार हमारे उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के। और आज पूरे प्रदेश में एक खुशी की लहर है कि युवा मोर्चा से निकलकर आज हमारे प्रदेश के सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री के तौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने आज हमारे बीच उनको भेजा है। विधायक मंडल दल के हमारे नेता हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। सब युवा मोर्चा के साथ ही पूरे प्रदेश में आज हर जगह पर, हर जिले में, हर मंडल पर कहीं ना कहीं खुशियां मना रहे हैं। आज इसी क्रम में नैनीताल जिले के हल्द्वानी नगर मंडल में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। पूरे नगर क्षेत्र में, बाजार क्षेत्र में यहाँ पर मिष्ठान वितरण, आतिशबाजी और फूल वर्षा यहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है, जिसमें हमारे नगर के नगर मंडल अध्यक्ष छोटे भाई कनीष ढिंगरा जी, अपने पूर्वी मंडल के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी, उत्तरी मंडल के अध्यक्ष कमल रावत जी। हमें सीएम साहब से यही उम्मीद है कि प्रदेश में
रोजगार स्वराज इसकी स्थापना और जिस तरीके से उनका एक अपना प्रशासन को चलाने का तरीका है, हमें पूरी उम्मीद है। सांसद अजय भट्ट के केंद्र में मंत्री बनाए जाने को लेकर अल्मोड़ा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया है। अल्मोड़ा के चौहानपाटा में जिला भाजपा के अध्यक्ष रवि रौतेला ने कहा कि आज बीजेपी के नेता अजय भट्ट को केंद्र में प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसके लिए वो केंद्रीय बीजेपी को धन्यवाद देते हैं। भाग्य की बात है कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अनेक पदों का जिन्होंने निर्वहन किया और हमारे इसी जिले से आपने अब पहले प्रदेश में आज देश में इस जनपद का प्रतिनिधित्व किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर उनके केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर और उनको बहुत ही अच्छे विभाग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में नैनीताल सांसद अजय भट्ट को रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनने पर लालकुआ में खुशी की लहर दौड़ गई है। यहां पर भाजपाइयों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र में राज्य का मजबूत प्रतिनिधित्व मिलने से विकास की गति दोगुनी होने की उम्मीद जताई है और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने उम्मीद जताई है कि सांसद भट्ट को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाने से क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। 70 सालों में कभी इस तरह की चर्चा भी नहीं की होगी, ऐसी समस्याओं को अजय भट्ट जी ने वहाँ उठाया और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी पूरे अवलोकन करते हैं, देखते हैं पूरी टीम को उन्होंने कैसे रखा है, कैसे बदला है, कैसे महत्वपूर्ण विभाग उसको दिए गए हैं, वो सब आप सबके सामने आई देते हैं। खुशी है, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण, मैंने पहले कहा कैसे महत्वपूर्ण मामलों में जो बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं उनमें बहुत गंभीर आदमी का होना बहुत जरूरी है। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी के बाद विपक्षी पार्टियों को हमलावर होने का मौका मिल गया है और वो लगातार राज्य सरकार पर निशाना साधने में लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि उत्तराखंड को एक बार फिर से अस्थिरता के मुंह में झोंकने का काम किया गया है। बीजेपी को रिकॉर्ड 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन राज्य की जनता के साथ में विश्वासघात हुआ है और ये भुला नहीं पाएगी। बहुत ये परिपाटी जो है भाजपा की निश्चित रूप से जनता के लिए बड़ी दुखदाई है। बार बार मुख्यमंत्री बदलने से पूरी व्यवस्थाएं बदलती हैं और अभी अभी ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं, तो इस प्रकार जो हमारी योजनाएं हैं, जो विकास की हैं, जो डेवलपमेंट की हैं, जो अन्य कामकाज की योजनाएं हैं, सब प्रभावित हैं। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जनता के साथ बड़ा भारी धोखा है। उत्तराखंड को मैं यह प्रयोगशाला बना करके कि मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा को भाजपा ने जो डाला है वो अच्छी बात नहीं है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जनमानस आज परेशान, आम जनता आज दुखी है, उनकी जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं वो जस की तस हैं, विकास जहां के तहां ठप पड़े हुए हैं, सड़कें सब खराब हैं, पेयजल योजनाएँ ध्वस्त हैं, बिजली की कटौती हो रही है, किसान प्रभावित है, नहरों में पानी नहीं है, ट्यूबवेलों में स्टेबलाइजर नहीं है, ये सारी बातें हैं जो विशेष रूप से आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज महंगाई आसमान पर है, महंगाई का असर निश्चित रूप से समस्त समाज के सभी वर्गों पर, चाहे किसान हो, चाहे मध्यम वर्ग का व्यापारी हो, चाहे हमारा ट्रांसपोर्टर हो, निश्चित रूप से उसका असर सब जगह चारों ओर चौतरफा पड़ रहा है। इस चीज़ की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, उनका ध्यान केवल मुख्यमंत्री बदल करके एक प्रयोग करके सत्ता को गुमराह करने का है। इसके हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और ये महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तराखंड की पूर्ववर्ती सरकार की थी जो अभी तक प्रारंभ नहीं।
उत्तराखंड के कॉलेजों में फिलहाल ऑफलाइन पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आ गई है कि अगस्त महीने में सभी कॉलेज वाईफाई से जुड़ जाएंगे। वहीं कॉलेजों में ऑफलाइन पढ़ाई के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही यूजीसी कॉलेजों के लिए गाइडलाइंस जारी करता है तो उसी के आधार पर ऑफलाइन पढ़ाई पर विचार किया जाएगा। उत्तराखंड के सभी कॉलेजों को वाईफाई सेवा से जोड़ने के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 14 अगस्त को प्रदेश के सभी कॉलेज वाईफाई सेवा से जुड़ जाएंगे, जिससे तकरीबन प्रदेश में 4 लाख छात्रों को वाईफाई सेवा का लाभ मिलेगा। यह ऑनलाइन पढ़ाई की दिशा में उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी न होने की वजह से दिक्कत आ सकती है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दावा किया है कि शुरुआत सभी मंत्रियों और सांसद अपने अपने क्षेत्र में करेंगे, इससे ऑनलाइन पढ़ाई को और ज्यादा तेजी से बढ़ाया जा सकता है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि 4 लाख छात्रों को कॉलेज में वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाएगा, जिससे आपदा की परिस्थिति के दौरान भी ऑनलाइन प्रणाली को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। और वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी के सब्र का बांध लगातार टूटता जा रहा है। प्रदेश में लगातार महंगाई आसमान छूती चली जा रही है। सरकार का पुतला भी दहन किया गया। और वहीं अल्मोड़ा के द्वारहाट विधानसभा में भी महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट और उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आगे कहते थे हम आएंगे नहीं, पेट्रोल का भाव है बहुत छूटे। हम मैंने भी देश के 9-10 प्रधानमंत्री देखे हैं, पर ऐसे छूटे प्रधानमंत्री और ऐसी बीजेपी पार्टी छूटी मैंने भी जिंदगी में। कार्यकर्ता जो है वो जो है पीड़न के खिलाफ जैसे एक विधायक। उत्तराखंड के दिनेशपुर में एक युवक ने किसी रिश्तेदार के घर पर लखनऊ से आया था, जिसके डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित होने की खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग सकते में आ गया है और हरकत में पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने खोजबीन की तो पीड़ित के वापस लखनऊ चले जाने की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने पीड़ित के रिश्तेदार के सैंपल लिए और आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। सैंपल लिए गए तो एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, जिसके बाद उसको होम आइसोलेट कर दिया गया। रोहिम सिंह जी थे, पिता का नाम अरुण कुमार और ये लखनऊ के रहने वाले थे। बलरामपुर अस्पताल है वहाँ पे, इनकी माँ वहाँ पर MLHP के पद पे कार्यरत है। ये यहाँ पे आए थे अपने रिलेशन में, तो यहाँ पे ये कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 21 तारीख को इनका RT-PCR का सैंपल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर से लिया गया था, जिसमें ये 24 मई को पॉजिटिव आए थे। अभी इनको कहाँ रखा गया? इस समय ये अपने मदर के साथ हैं बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचा रखी थी, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर और ज्यादा घातक हो सकती है। तीसरी लहर में डेल्टा प्लस नामक वायरस फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी लहर की चेतावनी के बाद चिकित्सक लोगों को आगाह करने में जुट गए हैं, जबकि सरकार भी इस तीसरी लहर से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर में डेल्टा वेरियंट सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करेगा। इसमें केवल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और सफर करने से परहेज करें। इन्हीं सावधानियों से इस घातक महामारी से बचा जा सकता है। वैक्सीनेशन करवाने वाले लोग भी इस बीमारी से बचें, क्योंकि वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। जबकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां लगातार कर रहा है। अब देखना यही होगा कि सरकार ने दूसरी लहर से सबक लेकर आगे की तैयारियां कितनी की हैं और पब्लिक कितनी सतर्क रहेगी। 2 वर्षों से आप लोग भी जानते हैं क्या नाम है कि कोरोना का काल रहा है, और ये वर्ष भी हमारा कोरोना का ही काल रहा है। इसमें क्या नाम है कैजुअलिटीज ज़्यादा हुई हैं, खासकर यंग लोगों की। अब उसमें कोमॉर्बिड कंडीशन भी हो सकती है या केवल कोरोना भी हो सकता है, ये तो जांच की विषय है या हमारे उनके द्वारा है। रही बात क्या नाम है इनको जो नाम देना, तो कोरोना में म्यूटेशन होता रहता है। ये वायरस है जिसमें वो म्यूटेट करता रहता है, उसी म्यूटेशन के आधार पर जो जातियाँ उत्पन्न होती हैं उसे हम नाम, वैज्ञानिक हमारे नाम देते रहते हैं, कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी डेल्टा। तो वर्तमान में जो क्या नाम है म्यूटेंट वेरिएंट हमारे देश में है, वही क्या नाम है जो हमने पढ़ा है पेपर्स वगैरह में या जो हमें सूचना मिली उसमें है, वहाँ कम से कम 11-12 क्या नाम है हमारे राज्य हैं और उसमें क्या नाम है 20-25 ज़िले हैं जिसमें डेल्टा वेरिएंट आया है। डेल्टा वेरिएंट ठीक है, इसको कहा जा रहा है कि ज़्यादा संक्रामक है, खासकर तीसरी लहर जो आने वाली है बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, जिसके लिए हमारी सरकारें भी बहुत उसमें अपनी तैयारी भी कर रही हैं।
और लगभग हमारे उत्तराखंड में तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जैसा हमारे क्या नाम है शासन के लोग अधिकारी या हमारे विभाग के लोग कहते हैं। तो डेल्टा वेरिएंट में लक्षण वही होंगे, कोरोना के ही लक्षण होंगे, बस कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बचाव के तरीके वही हैं जो हमारी प्राइम नेसेसिटीज़ है कि मास्क लगाना है हमें, हैंड वॉश करना है रिपीटेड, और अपना सैनिटाइजेशन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये हमारे जो तीन चार बिंदु हैं ये तो हमारी प्राइम रहेंगी, क्योंकि अगर हम इसको नेगलेक्ट करते हैं तो निश्चित है कि हम कहीं ना कहीं इससे संक्रमित होंगे और दूसरों को भी संक्रमण फैलाएंगे, ठीक है। रही बात इलाज का, तो इलाज में कोई इसका विशेष क्या नाम है इलाज नहीं है। अगर सिम्टम्स वगैरह होता है छोटे मोटे, ठीक है, पैरासीटामॉल से दूर हो सकता है, विटामिन सी ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं। कोरोना काल के मद्देनजर बाहरी लोगों के उत्तराखंड प्रवेश के लिए 72 घंटे के भीतर कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन कुछ लोग उत्तराखंड में प्रवेश के लिए तिगड़म लगा रहे हैं और उनकी तिगड़म को डग्गामार वाहन सफल कर रहे हैं। बॉर्डर पर खड़े डग्गामार वाहन बाहरी यात्रियों को उत्तराखंड में आसानी से प्रवेश करा रहे हैं। सिर्फ कुछ दूर पैदल चलकर यात्री बॉर्डर पार करके डग्गामार वाहन में बैठकर अपनी मंजिल तय कर लेते हैं। वहीं ये डग्गामार वाहन यात्रियों से ज्यादा वसूली भी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लोग बिना कोविड टेस्ट रिपोर्ट के उत्तराखंड में प्रवेश कर लेते हैं और बॉर्डर पर तैनात प्रशासनिक अमला हाथ पर हाथ धरे बैठकर तमाशा देख रहा है। वहीं उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से कुछ डग्गामार वाहन बाहरी यात्रियों को उत्तराखंड में प्रवेश करा रहे हैं। ये वाहन बॉर्डर के इस पार खड़े होकर उन यात्रियों को लेकर आते हैं, जो कि यात्री पैदल बॉर्डर पार करके उत्तराखंड में प्रवेश कर लेते हैं। उसके बाद ये यात्री इन डग्गामार वाहनों में बैठकर अपनी मंजिल तय करते हैं। ऐसे में इन लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट की भी चेकिंग नहीं की जाती है। लाई गई है और वैसे बॉर्डर पे पुलिस प्रशासन दोनों मुस्तैद है और वहाँ पे 24/7 लोग ड्यूटी लगाई जा रही है और प्रवेश करने वाले सभी व्हीकल्स की निरंतर जांच की जा रही है, परंतु फिर भी चूँकि ये कंप्लेन संज्ञान में आई है इसका ध्यान दिया जाएगा, इसको तुरंत जाँच करवा के जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। वैसे नारसन बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर हमने टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ भी एक्टिवेट कर रखी है, वहाँ पर नियमित तौर पर जो भी लोग बाहर से आए हैं जिनके पास RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, जो कि उनको उनके द्वारा लाया जाना शासनादेश ने मैंडेट किया है, परंतु यदि कोई नहीं लेकर आ रहा है तो भी प्रशासन द्वारा वहाँ व्यवस्था की गई है जहाँ पे लोगों के RT-PCR टेस्ट कराए जा रहे हैं, परंतु इसके अलावा भी यदि ऐसा कुछ है तो हम इस पर जाँच कर आवश्यकता करेंगे। मेरे पर अभी ही मेरे संज्ञान में आया है, यदि मेरे को इस प्रकार हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल स्थित सत्यम ऑटो कंपोनेंट कंपनी से निष्कासित 300 कर्मचारियों ने अपने परिवार समेत कंपनी के मुख्य गेट पर तालाबंदी करके धरना दे दिया है। निष्कासित कर्मचारियों का कहना है कि शासन प्रशासन समेत कई आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के बाद भी हमें आज तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है। 4 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, आज कर्मचारियों के परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। निष्कासित कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन के साथ एक वार्ता की गई थी जिसमें कंपनी प्रबंधन के द्वारा धीरे धीरे सभी कर्मचारियों को कंपनी में कार्य बहाली के लिए कहा गया था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी कर्मचारी को काम पर वापस नहीं बुलाया गया। बार बार ये झूठे वादे करके कंपनी के कर्मचारियों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजदूरों का उत्पीड़न किया जा रहा है, हम पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं और मोदी के यहाँ एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी जिसमें ये सहमति बनी थी कि श्रमिकों को बारी बारी करके ड्यूटी पर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी श्रमिक को ड्यूटी पर नहीं लिया गया, जिस कारण से देहरादून के विकास नगर में प्रधान संगठन ब्लॉक कार्यालय पर अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर तालाबंदी के साथ में प्रधान धरने पर बैठे हुए हैं। प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र तोमर के नेतृत्व में प्रधान संगठन ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रधान संगठन ने अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कहा कि ग्राम पंचायतों में JEE कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए जितना हो सके, वरना और देर होगी तो दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। ग्राम विकास विभाग एवं ग्राम पंचायत विभाग का पहले की तरह एकीकरण किया जाए, ऐसी तमाम मांगे हैं जो कि आज इन लोगों की तरफ से विकास नगर में की गई है। देखिए अभी जो है हमारे प्रदेश स्तर पर जो है सभी ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन चल रहा है 12 सूत्रीय मांगों को लेकर, जो 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जो आज हमने इसी क्रम में आज विकास नगर विकास खंड में जो है तालाबंदी की और यहाँ पर जो है हम
जब तक अग्रिम आदेश हमारे जो है प्रदेश स्तर पे जो भी हमारे समिति है कमेटी है उनका नहीं आता तब तक हम जो है ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। सर आपकी अपनी ही सरकार है और सरकार जो है पंचायतों को सशक्त करने की बात करती है। देखिए हम ग्राम प्रधान हैं, हमारी सरकार चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो हमारी दोनों ही सरकार एक जैसी है। बस हम ये चाहते हैं कि ये जो है प्रदेश में जो भी सरकार आए वो ग्राम पंचायत का जो है ध्यान रखें और उसके लिए जो है कार्य करें। सर आपकी मांग को नहीं माना जाता, आगे क्या कदम है? देखिए इसमें जो है हमारे जिला और प्रदेश के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो लोग इसमें जो है बैठेंगे। रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने कार्यालय पर गरीब लोगों को राशन किट बांटी। इस मौके पर हजारों लोगों ने अपने आधार कार्ड दिखाकर किट ली और इस मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि कोविड महामारी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अक्षय पात्र किट का बांटना जिसमें कि काफी लोगों ने इसका लाभ भी उठाया है, इस सहयोग में उनके साथ हरिद्वार सांसद का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और इस तरह के काम समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा किए जाते रहे हैं। ये बातें आज तमाम उनकी तरफ से की गई, लेकिन आपको ये बता दें कि जो राशन किट बांटी गई है लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ है, खासकर गरीब लोगों को अगर उनको राशन मिलता है तो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से, हमारे सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के सौजन्य से ये अक्षय पात्र जो है आज यहाँ पर वितरित किए गए। 400-500 लोगों को इसका लाभ यहाँ पर मिला और एक बहुत अच्छा अक्षय पात्र बनाया हुआ जिसमें पूरे महीने का राशन है, जिसमें मसाले से लेके दाल से लेके चावल से लेके आटा रिफाइंड नमक तिल चीनी तेल सभी मौजूद है। तो ये कोरोना में जो लोग परेशान हुए हैं जिनके रोजगार छूट गए उनके लिए किट थी और सभी को यहाँ पर किट दी गई, सबके आधार कार्ड लिए गए, सबके कार्ड चेक करके सबको वितरित की गई और पूरी व्यवस्था पूर्ण ये कार्यक्रम किया गया। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी का जिन्होंने ये किट भेजी और हम उनके द्वारा ये किट जो है यहाँ पर बांट सके। ये शुरुआत है और चलता रहेगा और लगातार यहाँ चल भी रहा है। आप देख रहे हैं कि रोज आप यहाँ पर आते हैं, ये सेवा केंद्र है और जहाँ सेवा केंद्र बन जाता है तो वहाँ सेवा कार्य होते हैं, चाहे वो राशन किट बंटनी हो, चाहे राशन कार्ड बनने हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बनने हो, चाहे यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब को इससे पैसे मिले हो, ये सभी कार्य यहाँ पर सेवा केंद्र से चल रहे हैं और हम लोग सेवक हैं, सरकार के सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं पब्लिक की। सेवा करने के लिए हमें जनता ने चुना है और सेवा करना हमारा उद्देश्य है। देखिए आ रहे तो प्रचार प्रसार तो हमने किया है, जो हमारे यहाँ नाम मौजूद थे जिनकी पेंशन बन रही है जिनको। थराली उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने चेपड़ों के पास में खारी बकड़ में नदी से सटे खेतों में खनन करते हुए एक जेसीबी मशीन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। उप जिलाधिकारी के मुताबिक भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि खारी बकड़ में नदी से सटे खेतों में जेसीबी मशीन से खुदाई और खनन का काम चल रहा था। मौके पर पहुंचकर उन्होंने पूछताछ की और जेसीबी मशीन को सीज कर दिया। ये एक पशु शाम का मामला है, मैं युवा पे निकला था तो मुझे एक जेसीबी किसी खेत में खाली बगड़ के पास में खुदान और खनन कार्य करते हुए मिली, जिसका मौके पर ही हमने उसे सीज कर लिया और मौके पर उसकी कार्रवाई की। ये जो खनन कार्य था ये खेत पे खुदाई की जा रही थी और एक खड्डा बनाया जा रहा था, बुद्ध बुद्ध करके उसमें खड्डा बनाने की कार्रवाई चल रही थी। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि वो चाह रहा था, वहाँ पे वो देखना चाह रहा था कि पानी है या नहीं है या फिर फिश पॉन्ड की उसके द्वारा बताया गया वो निर्मित करना चाह रहा था भविष्य में। फिलहाल हमने जो लालकुआ क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत उपखंड कार्यालय पहुंचकर विद्युत कर्मचारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीण क्षेत्र में लोग विद्युत कटौती और कम वोल्टेज से परेशान हो चुके हैं, उनके बिजली बल्ब और अन्य उपकरण चलने की स्थिति में नहीं है, वहीं खेतों में मढ़ाई का काम चल रहा है और बिना बिजली के नलकूप नहीं चल रहे हैं। है चल रही है इसलिए हमने आज बिजली विभाग को ज्ञापन दिया, इसलिए हमारे गांव में इतनी समस्या, पूरे लालकुआ क्षेत्र में भी इतनी समस्या हो गई गांव में, क्योंकि अभी खेती का समय है, रुपाई का समय है, सफाई नहीं हो पा रही, लोगों की पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत है, पंखे नहीं चल रहे घर में। अभी तो हमने इनको एक ज्ञापन दिया है, आगे आने वाले समय में अगर नहीं हुआ तो एक उग्र आंदोलन की तरफ को बढ़ने का कदम उठाने की करेंगे हम यहाँ पे। ये अभी हमने बिजली विभाग को एक ज्ञापन देके एसडीओ जे साहब के माध्यम से दिया है इनको। क्या ये पहली बार चलते आ रहा है? हमने कई बार इनको ज्ञापन दे दिया, कई बार आ गए, अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है इसमें। क्या इसमें करेंगे, कार्रवाई करेंगे, आगे अपने अधिकारी को, उच्च अधिकारी को देंगे, कह रहे हैं मांगे तो उग्र आंदोलन होगा, बिजली विभाग का घिराव होगा, सरकार का पुतला फूका जाएगा, कई चीजें होंगी। क्या आपने गांव के ही लोग हैं, आपस के लोग हैं, कोई पार्टी से नहीं, कोई व्यक्ति विशेष है, सिर्फ हमारा आपने किसी से बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं। सुनाई में ये आ रहा था कि विधायक जी के माध्यम, लोगों के माध्यम से ही पता चला कि वोल्टेज वो लगने वाला कि बड़ा ट्रांसफार्मर लगेगा, पता नहीं कब लगेगा, लगभग हम ये 2 महीने से सुनते आ रहे हैं, अभी तक नहीं लगाया।
तो ये कई सालों से है, आज तो हमने इससे पिछले साल भी हमने ज्ञापन दिया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी बाजपुर के बन्नाखेड़ा वन क्षेत्र में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति पर अटैक कर दिया जिससे उसकी मौत हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आपको बता दें कि बाजपुर के एक गांव में व्यक्ति ने अपनी बाइक से जंगल जा रहा था और वो अपने घर नहीं लौटा तो उसकी तलाशी की गई, तब जाकर झाड़ियों में शव मिला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, छानबीन के दौरान देखा कि शव के पास में ही हाथी के पांव के निशान दिखाई दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बन्नाखेड़ा के बीकमपुरी में एक व्यक्ति कल शाम से लापता था। जब परिजनों के द्वारा तलाश की गई तो सुबह उसका शव मिला है और ऐसा संभावना जताई जा रही है कि हाथी के द्वारा उसको मारा गया है। ये मृतक को पंचायत थाना भर के हमने भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बन्नाखेड़ा का पूरा मामला है बाजपुर के बन्नाखेड़ा में, जहाँ पर हाथी का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। हाथी के अटैक की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक व्यक्ति जो था वो अपने घर से बाहर गया था, लेकिन जब घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश की और जब परिजनों को नहीं मिला तो जंगलों में ढूंढने के लिए गए, तब जाकर देखा कि झाड़ियों में उस व्यक्ति का शव मिला। पुलिस को सूचना दी गई, वन विभाग को सूचना दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब जाकर पता चलता है कि वहां देखा हाथी के पैर के निशान थे। उससे पता चलता है कि उस व्यक्ति की मौत हाथी के अटैक करने से हुई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही इसको कहा जाएगा कि हाथी खुले आम जंगलों में घूम रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही भी इसको कहा जाएगा कि जंगलों में घूमते हाथी वहां पर लोगों पर अटैक कर रहे हैं, अटैक इतना भारी कि मौत तक हो जा रही है। आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।